हाय गाइस, कैसे आप लोग? सब आशा करते हैं कि आप लोग घर के अच्छे होंगे, खुश होंगे, घर पे सही सलामत होंगे। एक्चुअली मैं लास्ट 2 दिन से व्लॉग ही नहीं करी हूँ और मेरी तबीयत भी उतना अच्छा नहीं है, हाथ जल गया है, साथ में मुझे थोड़ा सा एलर्जी का प्रॉब्लम हुआ था तो वो भी थोड़ा सा एक्टिवेट हो गया है, तो मैं कुछ व्लॉग ही नहीं कर रही हूँ। तो आज है 21st of July और आज है ईद, तो आप सबको हैप्पी ईद, ईद मुबारक। घर पे अच्छे से बिरयानी खाइए, एंजॉय करिए अपने फैमिली के साथ और सबके लिए दुआ कीजिए। अभी सुबह में बज रहा है 11:25 और मैं एक्चुअली सुबह आज बहुत लेट उठी हूँ, तो मेरा सुबह से शेड्यूल मेरा पूरा बिगड़ गया है, बहुत लेट उठी हूँ आज मैं, आप सोच भी नहीं सकते। अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट मेरा और 5 मिनट पे कॉल चलेगा, मतलब 5 मिनट में कॉल शुरू हो जाएगा, उसके बाद मैं और वीडियो नहीं बना सकती, तो मुझे लगा चलो मैं ब्लॉग शुरुआत कर देती हूँ। मैं यहाँ पे खा रही हूँ मेरा ब्रेकफास्ट, चावल एंड अंडा, अंडा नहीं और चिकन करी, और यहाँ पे है मेरा चाय। तो मैं कॉल सुनते सुनते, मतलब मेरा मीटिंग ही है वो सुनते सुनते मैं थोड़ा सा खा लूँगी, 5 मिनट में एक्चुअली मेरा खाना हो ही जाएगा, और उसके बाद मैं आपको मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब ब्रेक लूँगी तब मैं मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। तो ये मुझे एक ब्रांड से आया है, ये ब्रांड का नाम है फास्टन अप, एंड मैं आपको यूज़ करके बोलूँगी कि ये ब्रांड कैसा है। ये बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट ये सब बनाते हैं और साथ में इलेक्ट्रोलाइट भी बनाते हैं, तो मैं अभी ओपन करूँगा और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। तो ये है उनके 2 प्रोडक्ट जो मेरे पास आया है, मैं इसका रिव्यू करूँगी खुद यूज़ करने के बाद। और ये फास्टन अप से आया है, जैसे कि मैंने बोला है ब्रांड का नाम ही है फास्टन अप। मेरा एक कोड भी है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं यहाँ पे मेरा कोड मेंशन कर दूंगी। उन्होंने मुझे उनका इलेक्ट्रोलाइट भेजा है और ये जो पहला वाला इलेक्ट्रोलाइट है इसका फ्लेवर है ऑरेंज, ये देखो कितना अच्छा पैकेजिंग है ना। और जो सेकंड वाला है ये है कोला फ्लेवर। तो थैंक यू सो मच फास्ट एंड अप फॉर सेंडिंग मी दिस प्रोडक्ट, आई विल डेफिनेटली यूज इट एंड लेट यू नो। आज ये देखो मम्मी ने ईद के दिन लाया है कद्दू के फूल, इसका हम लोग वड़ा बनाते हैं और बहुत ही यम्मी वड़ा होता है इसका। आप लोग खाते हो कैसे मुझे ज़रूर बताना है। ये अंडमान का एक स्पेशली गांव का एक्चुअली एक खाना है जो कि अभी हम लोग बहुत चाव से खाते हैं और बहुत किसी को ये पता भी नहीं है कि इसको हम लोग खा सकते हैं। तो हाँ जी, ईद का दिन है और मैं अभी जा रही हूँ खाना खाने, मैंने नहा लिया है और आज कुर्ता डाला है, क्यों? आज मुझे थोड़ा सा फील कर रहा था कि मैं ईद के लिए थोड़ा सा सजूँ। ये मेरे मम्मी का कुर्ता है जो आपने देखा होगा लिबास से है, ये बहुत अच्छा मटेरियल का है, एक्चुअली खादी मटेरियल है, इन्होंने अभी मेंशन किया है, अभी जस्ट मैंने देखा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज ईद में हमारे घर में क्या फीस्ट आया है। बिरयानी मिला है नानी के घर से, थैंक यू नानी अगर आप वीडियो देख रही होगी। तो ये देखिए, ये आया है नानी के घर से बिरयानी और ये है मीठा, शायद ये खीर है। तो थैंक यू नानी, ईद मुबारक। तो बिरयानी तो खा के हो गया, अभी खाना है डेजर्ट, और ऐसे मौसम पे डेजर्ट खाने का अलग ही एक मज़ा है ना। आज तो चांदी चांदी हो गया किस्मत में, बिरयानी भी मिल गया, ईद है, और अभी आज ही मतलब मुझे पता चला अच्छू, मतलब हमारे जो ओनर है उनके बेटे का नाम अच्छू है, मेरा भाई जैसा ही है वो, तो उसका आज बर्थडे है, तो अभी जस्ट बर्थडे का फीस्ट में मिला है, दिखाती हूँ क्या क्या है, मतलब आज दिल खुश हो गया यार। ये देखो आज हमें मिला है अच्छू के बर्थडे में केक और ये कुछ टॉफ़ी है, बहुत बढ़िया लग रहा है ना। फिर से बोलूँगी ऐसे मौसम पे मीठा खाने का अलग ही मज़ा है। एंड और साथ में है ये, मुझे जहाँ तक लगता है कस्टर्ड है, अरे 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 अब भी खाऊंगी मैं इसको। बहुत ही अजीब वाला बारिश हो रहा है, एकदम ज़ोर से आया था, मतलब ये आवाज़ होके और फिर से बंद हो गया और फिर से शायद आएगा। अंडमान का बारिश अनप्रडिक्टेबल है कम्प्लीटली। हम का चाय पे चर्चा यहाँ पे मम्मी। अपील है कि कोई भी लापरवाही ना बरते, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें,
मास्क पहने तथा हाथ इडली का बैटर लेने बाहर आए थे और रोटी लेने भी आए थे, तो अभी हम लोग लेकर घर चले जाएंगे। आज रात तक बाहर क्यों है बताते हैं घर जाके। क्रॉस हो रहे हैं द फेमस सरोरा जल के पास से, जो ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊंगी। रात के बज रहे 9 और अभी हम लोग डिनर करेंगे। और आज हमारा रात को भी डिनर आया है फ्रॉम छोटी दीदीज हाउस, तो उन्होंने भी बिरयानी भेजा है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। बहुत ही यम्मी लग रहा है, और बिरयानी के साथ और भी कुछ कुछ है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। मैं अभी सैलड वलैड बना लूँगी और उसके बाद सारा रेडी करती हूँ, एंड देन हम लोग सब मिलकर खाना खाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज आया है छोटी दीदी के घर से बिरयानी, मतलब डिनर का। रात दोपहर को आया था नानी के घर से और रात को आया छोटी दीदी के घर से। मैं दिखाती हूँ आपको, आपको थोड़ा सा लालच लग सकता है तो प्लीज़ बी अवेयर। ओके, ये आया है बिरयानी, ये आया है डेजर्ट, और ये है एक चटनी, मुझे जहाँ तक लगता है खजूर की चटनी है, मीठा और खट्टा चटनी, और ये है सैलड। तो ये है हमारा रात का डिनर आज का। तो हाँ जी, आज बहुत खाना पीना सब कुछ हुआ। आज छोटी दीदी के घर से जो बिरयानी आया था वो इतना ज़्यादा यम्मी था ना, हम सब ने बहुत चाव से खाया, मतलब बहुत प्यार से खाया। थैंक यू छोटी दीदी। और अभी हम सोने चले, लेकिन उसके पहले मैं आपको कोरोना का अपडेट दे देती हूँ। तो अंडमान में अभी भी लॉकडाउन है, लेकिन जो टाइमिंग है वो है मॉर्निंग 6 to evening 8, तो यही अंडमान का भी रूल है। और 8 बजे से रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक, एक्चुअली कह सकते हो एक नाइट कर्फ्यू टाइप का ही। जब आज हम बैटर लेके आ रहे थे, मतलब हम बाहर गए थे कुछ लाने और उसके साथ हम इडली बैटर भी ले आए, तो तभी मैं देख रही थी कि रोड के आसपास बहुत सारे पुलिस तैनात हो गए हैं, तो रूल्स फॉलो हो रहा है, लेकिन वो जो टाइमिंग है उसके अनुसार ही हो रहा है सब कुछ। और नंबर्स ऑफ कोरोना केसेस अभी कम ही आ रहे हैं अंडमान में, कंट्रोल्ड है, लेकिन मतलब होल्ड रखना चाहिए, अदरवाइज थर्ड वेव जो मैं सुन रही हूँ तो सुन के डर लग रहा है। तो यही है, मम्मी आप सो रही है, मैं नहीं दिखाऊंगी उनको। तो ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ आज। हाँ, बिरयानी, मतलब ईद के दिन अच्छा बिरयानी उरयानी खाना हुआ और अच्छा से गया आज का दिन, ठीक है। तो ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन खुश रहिए एंड सुरक्षित रहिए।